सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स को और बेल आइकन को दबाइए। हे गाइस, सो आई वेलकम यू ऑल टू द लॉजिकल कॉम्पिटिटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप कि आपके कम से कम हर एग्जाम में आने वाले 1 से 2 प्रश्न जो निश्चित रूप से आते ही हैं, आपके जरूर इससे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी भारत में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो जिन जिन राज्यों में हैं, जहाँ भी उनकी खंडपीठ है, उन सब के बारे में एक डिटेल डिस्कशन में इस वीडियो में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, भारत का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, जहाँ पे आपके 7 सिस्टर्स जिनको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पे ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास खुद का हाई कोर्ट है। तो वो हैं त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ऐसे हैं जिनके पास खुद का हाई कोर्ट है। इसको आप याद कैसे करोगे? तो एक ट्रिक है, पूरा हाई कोर्ट मेरा है, पूरा हाई कोर्ट मेरा है। तो पूरा से मतलब क्या कि जिनके भी लास्ट में पुर या फिर पूरा आता है, जैसे त्रिपुरा और मणिपुर, तो वो राज्य नॉर्थ ईस्ट के जिनके लास्ट में पुर या फिर पूरा आता है। तो त्रिपुरा और मणिपुर हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट था ही वहाँ पे आपका। और मेरा में क्या है, मे, और मे से कौन सा राज्य है, मेघालय, तो पूरा हाई कोर्ट मेरा है, त्रिपुरा मणिपुर और मे से मेघालय। ठीक है, तो आई होप कि आज के बाद आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो 3 राज्य हैं जहाँ जिनके पास खुद का अपना हाई कोर्ट है। ओके, तो आगे हम चलते हैं, केंद्र शासित राज्य दमन दीव, दादरा नगर हवेली और एक छोटा सा राज्य है गोवा। तो इन तीनों का जो हाई कोर्ट है या फिर इनके जो संबंधित मामले होते हैं वो कहाँ पर सुने जाते हैं, मुंबई, या फिर जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट मुंबई में है वहाँ पर दमन दीव, दादरा नगर हवेली और गोवा के केसेस सुने जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है जो दमन दीव, दादरा नगर और गोवा है, इनके जो पास में सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र, तो वहीं पर इनको, इनकी सुनवाई वहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा के हाई कोर्ट्स की सुनवाई मुंबई पर होती है। मैं अभी आपको आगे चल के इनकी लोकेशन भी दिखा दूंगा कि मैप पर के। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो भी, देखो एक तो वो हो गया कि मुंबई में उसकी मेन ब्रांच है, बाकी जो उसकी पीठ है, पीठ का मतलब क्या होता है, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उसी के अंडर में उसका जो सेकेंड पार्ट है, तो वो कहाँ 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 पर है, नागपुर में, पणजी में और औरंगाबाद में। जहाँ पे नागपुर और औरंगाबाद दोनों आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं, जबकि पणजी क्या है, गोवा की राजधानी है। तो मुंबई मेन ब्रांच है और उसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई क्या है? फिर बात करते हैं अंडमान निकोबार के हाई कोर्ट के बारे में। तो अंडमान निकोबार के बारे में मैंने एक पहले से वीडियो बना रखी है जिसका आपको बटन आई लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके पूरा उसके बारे में देख सकते हो। तो अंडमान निकोबार कहाँ पर पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से ये भारत है, तो यहाँ पर आपका अंडमान ऐसे द्वीप के रूप में बिखरा हुआ है। तो इसकी सुनवाई कहाँ पर की जाती है, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट उसका जो मेन ब्रांच है, और इसकी भी एक सबऑर्डिनेट ब्रांच बनाई गई है, तो वो कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। तो मेन आपका ब्रांच कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में, और उसका जो एक सबऑर्डिनेट ब्रांच है, खंडपीठ है, वो कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। तो आप देख रहे हो कि जैसे ये बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, अंडमान निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, तो इसका हाई कोर्ट कहाँ है, बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से बंगाल। ओके, क्लियर हो गई आपको ये बात? हाँ, ओके, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ पर है। तो आपको पता है कि जैसे ये भारत का मैप है, तो इधर है आपका तमिलनाडु और इस तरफ है, इधर है आपका, ये केरला का पार्ट है और ये तमिलनाडु का पार्ट है। तो आपका जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पे है, अरब सागर में। तो यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप, ऐसे बिखरा हुआ है। तो लक्षद्वीप के पास कौन सा राज्य है, केरल की तमिलनाडु, भाई इस तरफ तो केरल है, तो कहाँ पे जाएगा ये, केरल में। और केरल में कहाँ पर है ये, अनारकुलम में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम में नहीं है, कहाँ पर है, अनारकुलम में। तो केरल का हाई कोर्ट अनारकुलम, तिरुवनंतपुर नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कहाँ पर है केरल का, अनारकुलम में। और लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है, सॉरी, हाँ अरब सागर में है, तो केरला के पास उसका हाई कोर्ट है। ओके, अब यहाँ पे आप सारी लोकेशन जरा देख लीजिए, ये क्या है आपका लक्षद्वीप, ये क्या है आपका लक्षद्वीप, ये है आपका केरला, ये है तमिलनाडु, ये है कर्नाटक और ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये जो आप छोटे छोटे डॉट्स देख रखे हैं, ये हैं आपके दादरा नगर हवेली और दमन दीव,
दादरा नगर हवेली और दमनदीप। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये तो गुजरात में है, गुजरात के पास में है, तो महाराष्ट्र में क्यों है, कि ये है आपका महाराष्ट्र। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुजरात हमेशा से नहीं था, पहले पे सिर्फ एक मुंबई प्रेसिडेंसी ही हुआ करती थी, बाद में उस मुंबई प्रेसिडेंसी को भाषा के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया था। तो एक भाग हो गया था गुजरात और एक भाग हो गया था महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र पुराना हिस्सा है, इसलिए इन दोनों का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको इनकी पोजीशंस भी क्लियर हो गई होंगी कि क्या चीज़ कहाँ पर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं कि पौंडीचेरी का। तो पौंडीचेरी एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सी क्या है, स्टेट नहीं है, ये है संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो इसके आपको पता चार ज़िले हैं और चारों ज़िले अलग अलग हैं, जिसमें से एक आपका आंध्र प्रदेश में है, एक आपका केरल में है और दो आपके तमिलनाडु में है। तो ज़्यादा कहाँ पर हैं, चार ज़िले हैं, आंध्र प्रदेश में, केरल में और तमिलनाडु में। तो ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में, इसलिए इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु का कोर्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास, जिसका अब नाम क्या है, चेन्नई। और इसकी जो पीठ है, जो सबऑर्डिनेट ब्रांच है, वो कहाँ पर है, मदुरई में। तो पौंडीचेरी के दो ज़िले हैं आपके तमिलनाडु में, इसलिए वहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में कहाँ पर, चेन्नई में, और पीठ कहाँ पर है, मदुरई में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, हम फिर से आ चुके हैं। तो मैंने बता दिया था अभी आपको, एक ट्रिक बता दी थी मैंने, जहाँ से आपने ये देख लिया था कि पूरा हाई कोर्ट मेरा है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन तीनों के तो खुद के थे, लेकिन मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, भाई आपको पता 7 सिस्टर्स, 7 राज्य हैं, तो 3 के पास खुद का हो चुका है, तो मतलब बाकी 4ों का 1 में ही है, और वो कहाँ पर है, आसाम में। भाई मेन राज्य वहाँ पे सबसे डेवलप्ड स्टेट कौन सा है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आसाम में है। तो बाकी जो 4ों का है वो कहाँ पर है, आसाम में, और आसाम में कहाँ पर, गुवाहाटी में। तो क्लियर, पूरा हाई कोर्ट मेरा है, तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खुद का था, बचे हुए 4 कौन कौन, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल और आसाम। तो इन 4ों का एक ही जगह पर है, कहाँ पर, आसाम में, आसाम की राजधानी है गुवाहाटी। अब इसके साथ साथ इन तीनों की क्या बना दी गई है, खंडपीठ। तो एक खंडपीठ कहाँ पर है, मिजोरम की राजधानी आइजॉल, एक कहाँ पर है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और अगली कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मतलब मेन ब्रांच कहाँ पर है, आसाम की राजधानी में, और बाकी जो खंडपीठ बनाई गई हैं वो बना दी गई हैं मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की राजधानियों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मेरे पास पूरा हाई कोर्ट है, ट्रिक आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक बेहद ही आसान, आपको पता है जैसे जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की राजधानियां क्या हैं, एक ही है, क्या है, चंडीगढ़, तो वैसे ही इनका जो हाई कोर्ट है वो भी एक ही है, और वो कहां पर है, चंडीगढ़ में, जहां पर राजधानी है इनकी, वहीं पर इनकी हाई कोर्ट भी है। ओके, आगे चलते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ये आपके तीनों आपको याद कर लेने अच्छे से। मध्य प्रदेश का जनरली आप देखते हो कि जहाँ भी उनकी राजधानियाँ हैं वहीं पर उनके हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का कहाँ पर है, जबलपुर में, और खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है, इंदौर और ग्वालियर में। तो भैया मध्य भोपाल का तो कहीं पर जिक्र ही नहीं है, तो मध्य प्रदेश का जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पर है, जबलपुर में, खंडपीठ कहाँ पर है, इंदौर और ग्वालियर में। तो इंदौर को पता है कि आपका स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे साफ शहर का अवार्ड भी मिल चुका है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है, अटल नगर। ठीक है, उसका नाम क्या कर दिया गया है, अटल नगर। तो छत्तीसगढ़ का कहाँ पर है, राजधानी में नहीं है, कहाँ पर है, बिलासपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में। उत्तराखंड का कहाँ पर है, देहरादून में नहीं है, नैनीताल में है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ पर है, नैनीताल में। तो ये तीनों आपको याद कर लेने हैं अच्छे से, मध्य प्रदेश का जबलपुर, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और उत्तराखंड का नैनीताल में, ये बिल्कुल भी राजधानियों में नहीं है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं जहाँ जहाँ पर राजधानी में है। तो आप देख सकते हो कि झारखंड का रांची में, हिमाचल प्रदेश का शिमला में, दिल्ली का दिल्ली में, और दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस, वो कौन है, राजेंद्र मेनन। अब आते हैं गुजरात का, तो बहुत लोग भी कन्फ्यूज अभी भी होते हैं कि गुजरात की राजधानी क्या है। तो भले अहमदाबाद एक बेहद ही फेमस शहर है, लेकिन वो इसकी राजधानी नहीं है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, लेकिन गुजरात का जो सबसे फेमस सिटी है वो कौन सी है, अहमदाबाद। ठीक है, तो गुजरात का कहाँ पर है, अहमदाबाद में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, के जम्मू कश्मीर में दो जगह पर है,
मेन कहाँ पर है? श्रीनगर और दूसरी जम्मू। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की दो राजधानियाँ हैं, श्रीनगर गर्मियों में और ठंडियों में जम्मू, ठीक है। तो वैसे ही इसकी दो ब्रांचेज हैं, जो मेन ब्रांच है वो श्रीनगर में और जो दूसरी ब्रांच है वो कहाँ पर है? जम्मू में। अब आ जाते हैं इन दो राज्यों पर। तो अमरावती अभी बेहद ही चर्चित था, अमरावती को क्या बोला गया है? क्वेश्चन सीधा बनेगा कि जस्टिस सिटी के नाम से किसे जानते हैं? न्याय का शहर। जस्टिस सिटी, न्याय का शहर, किसे बोलते हैं? अमरावती। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक देश में थे 24 हाई कोर्ट, अभी तक कितने हाई कोर्ट थे? 24, और अब कितने हो गए हैं? 25। तो जो 25वां हाई कोर्ट है वो कहाँ पे बन रहा है? अमरावती में। और अमरावती कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। और जो हैदराबाद था वो कहाँ पर जा चुका है? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? के चंद्रशेखर राव, KCR। चंद्रशेखर राव कहाँ के बन गए हैं? तेलंगाना के। और यहाँ दोनों के राज्यपाल कौन है? ESL नरसिम्हम, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अमरावती आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट, जस्टिस सिटी और देश का ये 25वां हाई कोर्ट है। अमरावती के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन बनेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में जा करके बताना है। ओके, आगे चलते हैं। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर भी क्यों चर्चा में था? क्योंकि अभी जो सबसे साफ रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? जोधपुर को। सबसे साफ रेलवे स्टेशन किसको मिला है? जोधपुर को। और राजस्थान एक वजह से और चर्चा में था, भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन, क्या नाम है उसका? कालू। क्या नाम है? कालू पुलिस स्टेशन, जो कि आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि देश का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? कालू, राजस्थान में। और दूसरे पर था कैंपबेल बे, कैंपबेल वे, ये कहाँ पर है आपका? ये अंडमान। तो ये दूसरे नंबर का था, पहले नंबर पर था कालू, दूसरे पर था कैंपबेल बे। ये थे आपके बेस्ट पुलिस स्टेशंस। ओके, अब आगे चलते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो फेमस सिटी है वो कौन सी है? राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। लेकिन फेमस शहर क्या है? कटक। तो कटक में है इसका हाई कोर्ट। अभी कटक के कलिंग स्टेडियम में क्या हुआ था? वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप वहीं आपकी उड़ीसा में हुई थी, और इसका मस्कट क्या था? ओली नाम का कछुआ। जो भी हॉकी चैंपियनशिप हुई अभी उड़ीसा में कलिंग स्टेडियम में, उसका जो मस्कट था, जो शुभांकर था, वो क्या था? ओली नाम का कछुआ था, ठीक है। जीता किसने है? नीदरलैंड ने जीता है बेल्जियम को हरा करके। ओके, आगे चलते हैं कि बिहार का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो पटना में है। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ पर है? पटना में। ओके, राजधानी है बिहार की वो। नेक्स्ट आगे चलते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी कौन है? बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? HD कुमारा स्वामी, ठीक है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? वजूभाई वाला। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजूभाई वाला। खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है? धारवाड़ और गुलबर्गा, गुलबर्गा जो भी आप इसको कहते हो। तो मेन कहाँ पर है? बेंगलोर में। खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है? धारवाड़ और गुलबर्ग में। आप गुलबर्ग याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है खंडपीठ कहाँ पर है, तो गुलबर्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। उत्तर प्रदेश, अभी तक उसका नाम क्या था? अलाहाबाद। लेकिन कोर्ट को अभी भी अलाहाबाद हाई कोर्ट ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नाम बदल चुका है, क्या हो गया? प्रयागराज। और फैजाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? अयोध्या, ठीक है। तो आपको याद रखना है अलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज और फैजाबाद का नया नाम अयोध्या। इसके साथ साथ जो कानपुर का हवाई अड्डा था उसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर। बनारस का जो एयरपोर्ट है वो किसके नाम पर है? लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया है इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स थे और कुछ इनके बारे में इंटरेस्टिंग सी डिटेल्स, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसका प्रॉफिट आराम से मिल सके, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।